जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी मित्रगण जानते हैं, फ्रांस पिछले कई समय से भारत का एक मजबूत साथी बनकर सामने निकला है और यही कारण है दोस्तों कि फ्रांस को भारत का रशिया की तरह एक मजबूत साथी भी माना जा रहा है। वो बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों फ्रांस और भारत के बीच कुछ विवादित मुद्दे भी देखने को मिले, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से रशिया पिछले कई समय से युद्ध के बीच फंसा हुआ है, तो फ्रांस के पास एक सुनहरा अवसर है भारत के काफी ज्यादा नजदीक आने का। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं फ्रांस भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए फ्रांस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे डाला। दोस्तों ये जो प्रस्ताव फ्रांस की तरफ से भारत को दिया जा रहा है, भारत के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत के लिए ये ऑफर खुद रशिया भी नहीं दे पा रहा था। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के ऊपर कार्य कर रहा था, लेकिन भारत को अभी तक कोई साझेदार या फिर कोई मित्र राष्ट्र नहीं मिला जिसके साथ मिलकर भारत इस परियोजना को पूरी कर पाए। और इस मुद्दे के ऊपर रशिया भी ये बात कहते हुए पीछे हट गया कि भारत जिस तरीके की पनडुब्बी चाहता है, इस तरीके की पनडुब्बी पर मौजूद नहीं है। और अब इसी कड़ी में दोस्तों, भारत के मित्र फ्रांस ने भारत की इन सबमरीन को डेवलप करने में भारत का मित्र राष्ट्र बनकर भारत का साझेदार बनने की इच्छा जताई है। और फ्रांस इन सभी डीलों के तहत पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी संकेत दे रहा है। फ्रांस ने भारत को फ्रांस और ब्राजील जैसे परमाणु सबमरीन डील की पेशकश की है। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि फ्रांस की मदद से ब्राजील अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी बना रहा है, जो कि फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों पर आधारित है। वहीं दोस्तों, फ्रांस ने भारत को अपनी क्लास की सबमरीन की पेशकश करी है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि दोस्तों, ब्राजील की जो ये पनडुब्बी बनकर तैयार होने वाली है, इसकी जो क्षमता है वो 48 मेगावाट की है, लेकिन जो भारत के लिए सबमरीन बनाकर तैयार की जाने वाली है, इस पनडुब्बी की क्षमता करीब 190 मेगावाट बताई जा रही है। वहीं फ्रांस ने भारत को इन सबमरीनों के ओवरऑल के डिजाइन का भी प्रस्ताव दिया है। फ्रांस को भारत को इस तरीके के ऑफर देना ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी देशों से मिला फ्रांस को धोखा भी एक कारण हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट्स करके वैल्यूबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।